स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे के बाद राज्य का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठन और विभिन्न संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिया है। बुधवार को ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लेने के बाद एक ओर जहां सूबे में सियासी संकट गहरा गया है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी मूलवासी एकता मंच की ओर से झारखंड बंद का आह्वान किया गया। इसको लेकर गुरुवार की सुबह मंच के सदस्य सड़कों पर उतरकर बंदी कराते नजर आए। इधर सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के मुरुमडी पुलिया के समीप आदिवासी मूलवासी एकता मंच के सदस्यों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिसमें राजनगर चाईबासा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। आक्रोशित लोग यहां टायर जलाकर ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं राजनगर के सिद्धू कानू चौक मोरमिदम पुलिया के पास भी मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंदिरा की मनमनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंदिरा की मनमनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो आदिवासी से टकराएगा, जोर जोर हो जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए सर, हम एक चीज़ आप लोग को कहना चाहता हूँ। तो देखिए, ये तो सरासर बीजेपी का साजिश है, ठीक है। हम लोग का सीएम एसटी या संथाली से आते हैं, है ना। तो इसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी फीडी लानपन। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, उधर ये महराज में भी बीजेपी कहीं भी आपका ये किए हैं उसका शासन चल रहा है, वहाँ ईडी क्यों नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल देखिए, आपका झारखंड देखिए, वहाँ ईडी है। बिहार देखिए, वहाँ ईडी है। और दूसरे राज्य में जहाँ आपका बीजेपी का ये राज चल रहा है, यानी कि कोई भी राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वहाँ ईडी नहीं है। देखिए, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुआ, यह बीजेपी का पूरा पूरी साजिश है। हम लोग आदिवासी संगठन ये बंद करने का आह्वान किया, ऐलान किया, और फिर हम लोग बंद करेंगे। आदिवासी मूलवासी मझी परगना माहौल सारा मिला के हम लोग बंद को सफल बनाने का हम लोग ये किया है, सड़क पर उतरे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज एनएसयूआई और झारखंड छात्र मोर्चा द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और घूम घूम कर उन्होंने विभिन्न कॉलेजों में पठन पाठन ठप करवाया। ईडी की पूछताछ के बाद अचानक झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने मुख्यमंत्री को हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री को हिरासत में लिए जाने से आक्रोशित आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया। उधर जमशेदपुर में एनएसयूआई और झारखंड छात्र मोर्चा ने अपने आक्रोश को जाहिर करते हुए जमशेदपुर स्थित विभिन्न कॉलेजों को बंद करवा दिया। बंद का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संगठन तो बंद किया है, बात सही, लेकिन अभी विगत दिनों से केंद्र सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को बार बार ईडी की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है, तो उसको लेके आज जैसे कि कल उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया, अरेस्टिंग तक का उनका ऑर्डर आ गया था, तो उसी को लेके आज हमारे झारखंड छात्र मोर्चा और एनएसवाई की विंग ने कॉलेज वगैरह में बंद कराने का काम किया है। उधर सहारा इंडिया के ठगी पीड़ित जमाकर्ता एकता मोर्चा के सदस्यों ने निवेशकों के पैसे वापस करने की मांग एक बार फिर से उठाई है। आज उन्होंने जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सहारा और सेबी के विवाद में सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वाले निवेशकों के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब तबके के लोग पाई पाई बचाकर सहारा इंडिया में जमा कर रहे थे ताकि इनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसके खिलाफ उनके द्वारा आज सांकेतिक धरना दिया गया। करना होगा, करना होगा, करना होगा। गरीबों
वाला के द्वारा पैसा ठगी का मामला यहाँ डीसी को ज्ञापन सब लेके आए हुए हैं। आज इतने गरीब भाई मजदूर जितने भी दादा माए काकी है सबको देख लीजिए, आज इतने आज जो बैठ के यहाँ पे आए हैं ये आंदोलन करने के लिए, कहीं ना कहीं इनको छला गया है तभी ना आज ये आज रोड पे उतरने पे विवश हुए हैं। तीन लड़की है, हम शादी देने के लिए पैसा फिक्स किए थे नहीं दिया, छोटा सा मेरा दुकान है उसमें से डेली 100 रुपया करके लिया, झूठ बोल के लिया। आपको मिलेगा एक साथ मिलेगा, आपका 1,00,000 रुपया मिलेगा और एक पैसा भी अभी तक नहीं मिला। कितना पैसा जमा की थी? अरे मेरा बहुत पैसा जमा हुआ। हम लोग का सहारा पीड़ितों का भुगतान होना इसी वही मांग। कितने लोग हैं और कितने का क्या लगता है आपको बताइए? इसमें करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है और करोड़ों लोग ही पीड़ित हैं। इनको हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा पैसा भुगतान दे दे तो गरीबी ही मिट जाएगा। अगर यही तो है हम लोग का भारत में कि गरीबों को कोई देखता ही नहीं है। टाटा मोटर्स द्वारा सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम में 75वां वार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें 17 स्कूलों से लगभग 1,500 बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। इस वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम में किया गया। इस वर्ष 75वां एनुअल एथलीट का आयोजन किया गया। इस दौरान 17 स्कूलों के 1,300 बच्चों समेत कंपनी के एम्प्लॉय ने भी भाग लिया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन 2 फरवरी को किया जाएगा। इस दौरान 7 टीमों ने अपनी प्रतिभा को एक मंच देने का प्रयास किया। बदले मौसम में भी छात्राओं का उत्साह देखते ही बनता था, जहां इस कार्यक्रम के पहले दिन एक से बढ़कर एक उम्दा प्रदर्शन इस एथलीट में किया गया। We really feel proud of his commendable achievement. यह 75वां एनुअल एथलीट है और स्कूल्स का 45वां ये हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें हमारे 16 स्कूल, 17 स्कूल्स और 7 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें अराउंड 1300 से 1400 बच्चे और हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज एक साथ मिलकर के इस इवेंट में रहते हैं। जमशेदपुर अक्षेस द्वारा आज गुप्त सूचना के आधार पर साक्षी सब्जी मंडी में छापा मारा गया और एक दुकान से 314 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किए गए। जमशेदपुर अक्षेस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए साक्षी स्थित सब्जी बाजार में सब्जी खुदरा विक्रेता के द्वारा सब्जी के आड़ में प्रतिबंधित प्लास्टिक के स्टॉक बेचने का कार्य किया जा रहा था। औचक निरीक्षण के दौरान पकड़ा गया कुल 314 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक। आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I wanna go to school. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. And one day years and miles from now I remember all these things. Yes, when I grow to be someone I'll still be proud to sing. I love kangaroo kids, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids. सत्या कैलोन टावर के नाम पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलोन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा।
ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 बनेगा, इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है, इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकें। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. Anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं,
ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।